बात देखिए 1980 की है। शोमैन राज कपूर फिल्म प्रेम रोग के लिए कास्टिंग कर रहे थे। ज़्यादातर एक्टर्स की देखिए कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन अगर नहीं मिल रहा था तो राजा वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए कोई दबंग और भारी आवाज़ वाला इंसान नहीं मिल रहा था। बहुत से लोगों के ऑडिशन लिए गए थे लेकिन कोई भी फिट नहीं हो रहा था। तब राज कपूर ने सब लोगों को, कलाकारों को बुलाकर कहा कि नमक हराम में जिस लड़के ने दुबले पतले शायर का रोल किया है उसे बुलाओ। एक दुबला पतला आदमी जिसे बना दिया गया एक रियासत का राजा। जानते हैं चलिए इस आदमी के बारे में कि उसे क्यों राजा बनाया गया, क्यों ज़बरदस्ती उसको इस फिल्म में लिया गया। तो ये बात कर रहे हैं हम देखिए राजा मुराद के। राजा मुराद जो हैं उन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे तरह जानते होंगे। राजा मुराद ने हर तरह के रोल किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो राज कपूर जब ये फिल्म बनाने जा रहे थे, फिल्म का नाम था प्रेम रोग, तो उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी कि जो इस तरह का हो कि जो रियासत का राजा बने और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है उसका दबंग और भारी आवाज़ वाला हो। तो बहुत ही उसका पहली बार में ही लोगों पर बहुत ही अच्छा उसका असर पड़े। तो इसके लिए उन्हें एक आदमी की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्हें बहुत से लोगों के उन्होंने ऑडिशन लिए लेकिन कोई आदमी उनकी कमी पूरी नहीं कर सका। जैसी राज कपूर को आवाज़ चाहिए थी, जैसा दमदार अभिनय वाला इंसान चाहिए था, नहीं मिला। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ऐसा करो, नमक हराम में जिस लड़के ने दुबले पतले शायर का रोल किया है उसे बुलाओ, उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये रोल किया था देखिए रजा मुराद ने। अब रजा मुराद की आवाज़ भारी थी लेकिन कदकाठी उस समय बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी। राज कपूर की बात सुनकर सब हैरान रह गए कि एक लड़का जिसका नाम खुद राज कपूर भी नहीं जानते उसे फिल्म में लेने के लिए कैसे बुला सकते हैं और कैसे इस सीन को दे सकते हैं। सीन भी बहुत ज़बरदस्त था जिसके बारे में आपको बताऊंगी। परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें किसी अच्छे बड़े कलाकार को लेना चाहिए, लेकिन राज साहब तो ठहरे राज, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। वो तो अड़ गए इस बात पर कि मुझे उसी लड़के को चाहिए एक्टिंग के लिए, आप लोग उसे बुलाओ। अब जब रजा मुराद को खोजा गया और उनको फिर राज कपूर से मिलवाया गया, उसके बाद रजा मुराद को राज कपूर ने राजा वाले सारे कपड़े, ज्वेलरी, गहने वगैरह पहना दिए और उनका मेकअप करवा दिया बहुत ही अच्छी तरह से। और उसके बाद सबके सामने उन्हें लेके आए प्रेम रोग के राजा वीरेंद्र सिंह के लुक में। राज कपूर रजा मुराद को सबके सामने लेकर जब आए तो सब लोग देखते ही रह गए और इस तरह ये फिल्म रजा मुराद को मिल गई। और ये फिल्म जो है इसकी एक्टिंग करने के बाद ये इनके कैरियर का बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो ये फिल्म आई थी प्रेम रोग 1982 में। तो जब ये फिल्म बन रही थी तो इसमें एक सीन था जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे, आप सब लोग जानते होंगे उस समय वो टीनेजर थी, उनका एक सीन था जिसमें रजा मुराद को उनके साथ रेप करना था। तो जब ये सीन फिल्माया जा रहा था पूरी यूनिट और खुद राज कपूर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोए थे और साथ में रजा मुराद भी बहुत रोए थे। इस सीन को करने के बाद वो बहुत रोए थे क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरे ने और रजा मुराद ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि हर कोई हैरान रह गया था। और लेकिन इस सीन को करने के बाद रजा मुराद को बहुत ज़्यादा दुख लगा था और वह भी बहुत ज़्यादा रोए थे इस सीन को करने के बाद। और बताते हैं कि उस समय ना पूरी यूनिट जो थी वह पूरी यूनिट ही रोई थी, तो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी रजा मुराद ने उस फिल्म में। और उसके बाद तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं तब से अब तक रजा मुराद की एक्टिंग को और रजा मुराद को। तो ऐसे हैं रजा मुराद। आप लोगों को ये किस्सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।